ब्रेक से वापस आने का शुक्रिया। हमारे साथ आज मौजूद है नताशा। पहले ऐसे करते कटहरा राउंड करते हैं, ठीक है? उसके अंदर मैं जो सवाल बोलूंगा आपने उनके ना सस जवाब, ठीक है? डन, ठीक है जी। आज आपने मुझे कटहरे में भी खड़ा कर दिया है, ये भी नौबत आनी थी। आपके शो में आने की सजा तो नहीं मिल रही मुझे? नहीं, आप देखें, अब आपको ना फील होगा वो जिससे आपने सुपर मॉडल का नाम नहीं लिया था ना, वो वाली सुपर मॉडल कैसा फील कर रही होगी उस टाइम। सॉरी, हाँ चले। ये कटहरा सेगमेंट है, इसके अंदर मैं सवाल बोलूँगा, आपने सच जवाब देना। अगर आपने झूठ बोला तो आपको ना जेल नहीं होगी। नहीं होगी ना? नहीं होगी। चले ठीक है, लेकिन मैं सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। थैंक यू। अच्छा चल, पहला सवाल। अच्छा, आपने पढ़ी साइकोलॉजी हुई है, ठीक है? आप बनना मेकअप आर्टिस्ट चाहती थी, आपने शायद मेकअप का भी बहुत कुछ किया हुआ। बिल्कुल। मगर आप बन मॉडल और एक्ट्रेस गई, सुपर मॉडल और एक्ट्रेस गई, तो आप खुद कभी साइकेट्रिस्ट के पास गई? देखिए, इधर मैं कहूँगी कि जो किस्मत में होता है वो आपको मिल के रहता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि साइकोलॉजी पढ़ी और फिर कॉस्मेटोलॉजी में मैंने कोर्सेज किए, लेकिन मैं मॉडल बन गई। बड़ी एक्सीडेंटल बात थी ये, मैं मॉडल बनना नहीं चाहती थी, लेकिन जो मेरे फोटोग्राफर्स हैं अथर और शहजाद, उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि जो मेकअप है वो एक सर्टन उम्र के बाद, मतलब कि जो बिहाइंड द कैमरा वाला काम है वो तब भी हो सकता है। उन्होंने कहा अभी हमारी इंडस्ट्री को तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हें अभी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा होना चाहिए, तो कम इन दिस फील्ड। मुझे बताएं, आपने क्या कहते हैं, मैंने सुना है बल्कि आपने इंटरव्यू में एक दफ़ा कहा था आपको फैशन शोज़ के 1800 रुपया मिलता, तो ये बहुत कम नहीं है? नहीं नहीं, ये मैंने कहा था कि हम जब काम करते थे तो बहुत मेहनत करते थे, तो पहला जो मुझे फैशन शो का हम सब लड़कियों को चेक मिला था, हाँ? वो 2000 का चेक मिला था। हालांकि 4 दिन हम लोगों को रिहर्सल, तब तो रिहर्सल्स बहुत होती थी, अब तो रिहर्सल्स नहीं होती, 4-4 दिन रिहर्सल करवाई थी और उसके बाद शो किया था हमने, और 2000 का चेक मिला था, जिसमें से टैक्स कटने के बाद हमारे पास आए थे कोई 1600-1700। उस टाइम, अच्छा, उस टाइम की बात बता रही हूं, लेकिन अब उन नहीं, पैसों अब के लिए भी हम इस कदर मेहनत करते थे कि आज तक, मतलब उस नाम की वजह से आज आपने मुझे अपने शो में बुलाया ना, मेहनत ही की वजह से बुलाया ना। अब इतने जो लोग हैं जो आप ज्यादा 50-60-70,000 भी चार्ज करें, आपने उनको तो नहीं बुलाया ना, उनकी मेहनत तो आपको नजर नहीं आई। वो इतने मशहूर नहीं है। मशहूर आप तब होते हैं जब आप नीचे से ऊपर आते हैं, जब आप पहली सबसे ऊंची सीढ़ी पे कदम रखते हैं तो फिर आप आगे कोई जगह नहीं होती ना, तो वो नीचे आ जाते हैं। ये बात, हाँ, देखे मैं कितनी अकलमंद वाली बात कर रहा हूँ, बड़ी गहराई की बातें कर रहे हैं। मैं अभी साइकोलॉजिस्ट बन सकता हूँ ना, मेरा ख्याल है, लेकिन आप, मेरा ख्याल है लोगों को पागल कर देंगे। आप, मैंने सुना HS वो आपका बचपन का दोस्त है? हाँ है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। तो मुझे सही सही बताया, बचपन में भी उनके बाल ऐसे थे या फिर अब इस एज में आकर उनके बाल खत्म हैं? देखिए, बॉल्ड होना मेरा ख्याल है उनको बहुत ज़्यादा सूट करता है, उनकी जो पर्सनालिटी है, जो एक डायनामिक हसन शहरयार यासीन कॉमनली नोन एज HSY, उनकी जो पर्सनालिटी है वो उनको सूट करता है। बचपन में थे उनके, जब हम लोग यंगर थे बाल थे, बिल्कुल थे, ओके, ओके। लेकिन जब उन्होंने पूरा पता बॉल्ड वो हुए तो उनको बहुत सूट करता है। छोटे बच्चे वो पैदा हुए तब तो नहीं थे ना बाल? अब ये नहीं पता, मैं पैदाइश के वक्त थी नहीं। आपने खुद कहा है, आप अब नहीं, बचपन के फ्रेंड्स का मतलब ये तो नहीं कि पैदाइशी फ्रेंड्स हैं, मतलब हम फ्रेंड्स बने थे काफी साल पहले, पर बचपन मेंस थे, पैदाइश के वक्त आप उधर नहीं थे, मतलब काम शुरू करने से पहले हम लोग फ्रेंड्स बन गए थे। ओके, और हम लोग वो आपका यानी बचपन था? नहीं, आपका बचपन या उनका बचपन, ये मतलब हम यंगर थे ना। अब आप देखिए ना, 20 साल पहले तो कोई यंग ही होता है ना। मीरा ठीक अभी भी कहती है कि मैं 30s में हूँ, तो हम कहते हैं ओके, हम मान जाते हैं। तो फिर आप, वो आपकी गलती, आप कटहरे में आके उनकी एज बताया करें। कहती है कि आप कटहरे में आके उनकी एज क्यों नहीं बताते? अगर आप कटहरे में आके एज बताएंगे और आप हलफ उठाएंगे तो आप नहीं मानेंगे। मीरा जी तो ये भी कहती मेरे अभी तक शादी नहीं हुई। अब ये उनका पर्सनल मामला है, मैंने उनकी कोई शादी अटेंड तो नहीं की, लेकिन सुना तो है, लेकिन अब ये सुनी सुनाई बातें, शादी अटेंड की नहीं, इसका मतलब उन्होंने ज्यादा की हुई है? मुझे नहीं पता, मैं मुझे ओके ठीक है, मुझे नहीं पता। मीरा जी, नेक्स्ट टाइम जब भी आप
शादी करें, ठीक है, कुछ नहीं कह रही आपके बारे में, यू आर अ वेरी गुड फ्रेंड, ये शेख कासिम मेरे जैसे कहते हैं ना, पुटिंग वर्ड्स इन योर माउथ, ये कर रहे हैं इस वक्त, मीरा आपकी दोस्त है, मतलब एक और दोस्त नहीं, ब्रेकिंग न्यूज, नेटी की बेस्ट फ्रेंड मीरा है, बेस्ट फ्रेंड नहीं है, बेस्ट फ्रेंड नहीं है, लेकिन बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मैं आपको बताऊं मीरा जी, आपको अब फ्रेंड से अनफ्रेंड कर दिया, आप समझेंगे कि मैं बड़ी कोई होलियर देन दाओ बन रही हूँ, एक सेइंग है होलियर देन दाओ की, बड़ी कोई बन रही है, जैसे कहते हैं आप बहुत कोई अमेजिंग बन रही है, ये बात नहीं, मेरी मीरा जी दोस्त नहीं है, लेकिन अगर मैंने उनको मीरा जी कह के और रिस्पेक्ट से उनसे बात करती हूँ, तो वो इसलिए कि वो एक बहुत बड़ी हीरा जी उनकी छेड़ है, तो स्टार है ना, हीरा जी उनकी छेड़ है, उनका छेड़ नहीं है, उनका नाम है मीरा, अगर वो माइंड नहीं करती अगर आप उनको मीरा जी कहे, उनको बुरा नहीं लगता, मैं तो उनको मीरा जी इसलिए भी कहती हूँ बिकॉज वट एवर इट इज शी इज अ स्टार ऑफ आवर कंट्री, अब ये और बात है कि आप मैसेज तो मानते हैं ना उनको स्टार, आपके दोस्त हैं या नहीं ये बस बता दें, दोस्त तो नहीं है, लेकिन सलाम दुआ एक बहुत तौर तरीके और तमीज के दायरे में, ये वैसे ही ना जैसे फेसबुक पे फ्रेंड कोई होता है, वो वैसे आपका फ्रेंड नहीं होता, वैसे फ्रेंड लिस्ट में होता है, ऐसे ही है ना, फ्रेंड लिस्ट में तो नहीं है, अभी आपको कहा ना फ्रेंड लिस्ट में नहीं है, तो फिर आपके मेरी बात सुने, आप मेरे दोस्त हैं, नहीं मैं तो समझता हूँ, आप मेरे दोस्त नहीं है, एक तरफा दोस्त हो गया ना, मुझे इससे कोई गरज नहीं है, एक तरफा दोस्त मेरे दोस्त नहीं है, एक तरफा दोस्त नहीं, आप एक तरफा मेरी दो तरफा तरफ से दोस्त, दोस्ती हमारी नहीं है, आपकी तरफ से नहीं, हमारी दोस्ती नहीं है, लेकिन मीरा जी से आपसे मेरी अच्छी सलाम दुआ है, तौर तरीका तमीज का दायरा है, ठीक है, तो यही दायरा मेरा उनके साथ है, okay, हाँ, मेरी दोस्त है, आमना हक मेरी दोस्त है, इरज अब यहाँ होती नहीं है, जब थी तो बहुत अच्छी दोस्ती, ठीक है, ठीक है, बट मीरा जी इज नॉट माई फ्रेंड, बट या शी इज नॉट ऑल्सो, मतलब वो कोई बिल्कुल अजनबी नहीं है मेरे लिए, मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ उनको जानती हूँ कि ओ मीरा द स्टार, मुझे पता है, मैं उनको स्टार से थोड़ा ज्यादा जानती हूँ, गेस्ट आपको बुलाया, हम उनके बारे में क्यों इतनी बातें कर रहे हैं, इसलिए कि आप ऑब्सेस्ड हैं मीरा जी से, नहीं, 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 आप सिर्फ उनके बारे में सवाल कर रहे हैं, अगला अगला, अच्छा मुझे बताएं, नुमान एजाज को पिछले 30 साल हो गए एक्टिंग करते हुए, मैंने सुना है, ठीक है, कि उनका पहला ड्रामा आपके साथ था, ये बात ठीक है, आपने बड़ा ही होमवर्क किया हुआ है, मतलब तोबा जो मैं नेक्स्ट टाइम, मतलब ठीक है, एक मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ कि 30 साल पहले आपने पहली दफा उनके साथ ड्रामा किया था, कॉलेज में थी, आपको ड्रामा करते हो यानी वो करते हो, वो टाइम आपने किया था 17 साल की, अच्छा, आप 17+30 कितना होता है, 47, अच्छा भाई तुम्हें 30 साल पहले नहीं, उन्होंने 25 साल, चले 2500, ठीक है, कब 5 कम कर दो, 25 मॉडल नहीं रहेंगी तो क्या करेंगी आप, जब मैं मॉडल नहीं रहूंगी तो मैं अब होस्टिंग में हूँ, मैं होस्टिंग करूंगी, और जब मैं होस्टिंग में भी नहीं रहूंगी तो फिर मैं ब्यूटी के बिजनेस में आ जाऊंगी, हेयर एंड मेकअप, नेटी जी, एक बात तो मैं आपसे पूछना भूल ही गई, अब क्या रह गया, अच्छा मैंने सुना कि आप बहुत अच्छी साइकेट्रिस्ट भी हैं और okay. आप पागलों का इलाज भी करती हैं, नॉट रियली, मगर इसने अपना इलाज कराना, जी नहीं मैं अपनी बात नहीं कर रही, मेरी एक फ्रेंड है उसे भूलने की बीमारी है और वो एक पागल इंसान के पास जॉब कर रही है, मैं चाहती हूँ कि उसके दिमाग का इलाज हो और वो ये जॉब छोड़ दे, अच्छा देखिए एक टर्म होती है कि दोस्ती दोस्ती है और प्यार प्यार है और काम काम है, तो अगर आपको लगता है मैं इतनी अच्छी साइकाइट्रिस्ट हूँ तो आप प्रोफेशनली मुझे कॉन्टैक्ट करें, आई विल चार्ज यू फॉर इट एंड देन आई विल, कितने आप फीस इनसे ले लेना ना, उनको तो खुद नहीं मिलते यहाँ पैसे, तो वो कहाँ से दे दे ना, अच्छा नहीं क्योंकि आपकी दोस्त को अगर इतना मसला है तो वो खुद क्यों नहीं जॉब छोड़, एग्जैक्टली एक्चुअली ना वो जॉब छोड़ भी नहीं सकती और कर भी नहीं सकती, ये प्रॉब्लम है, तो वो करती क्या है, तो वो जॉब करती है उस बेवकूफ पागल इंसान के पास, अगर इतना मसला है तो फिर आप लोग आपस में इसका करो, मैं शो एंड करता हूँ, इसी के साथ हम शो एंड करते हैं और अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और गेस्ट के साथ, और
बाय बाय। अच्छा आपको बात बताऊँ, वो दोस्त मैं ही हूँ जिसकी मैं बात करी थी ना, वो मैं ही हूँ। आप मेरा इलाज करें, मुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं देते, क्या करूँ। तो इन्होंने पैसे देने हैं या आप जिस चैनल में काम करते हैं? इन्होंने देने हैं ना, मैं इनके पास जॉब कर रही हूँ। इनके पास जॉब कर रही हूँ और आपको भूलने की भी बीमारी? भूलने की बीमारी। तो आप ऐसे करें फिर, पहले अपनी जाके बीमारी का। चला पैसे करें, मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दे, मैं आपको कॉन्टैक्ट करती हूं। सॉरी, मैं अपना फोन नंबर नहीं दिया। आपने खुद ही कहा ना कि आप मेरा प्रोफेशनली तरीके से इलाज करेंगे। हाँ, वो प्रोफेशनल कार्ड ठीक है, जाने से पहले ले ले। ठीक है, फिर आ जाए। ठीक, थैंक यू। ATV, सारे रंग हमारे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद है आज नेटी। लोग कहते हैं आपने बड़ा कुछ दरियाफ्त किया है, तो आपके ख्याल में आपने क्या क्या किया? क्योंकि आप कितनी देर से काम कर रही हैं, आपको 15-20 साल हो गए हैं। हाँ जी। अरे आप बताएं, 15 हुए या 20 हुए? ये 20 सालों की तो आप मेरे पे तोहमत लगा रहे हैं। मॉडलिंग करते हुए 15 सालों से पहले मेरे से पहले 10 साल पहले से तो आप काम कर रहे थे, 30 साल तो आपको हो गए। हाँ, है ना, सही बात है ना। माशाल्लाह से आपके तो बालों में भी थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर टाइप टच आ गई है। मैंने खुद किया हुआ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, वो वाला स्प्रे लगाया हुआ है। फैशन क्या हुआ है कि इसलिए के लोग कहते हैं जो मैं फैशन ट्रेंडर हूँ, जी जी, जो मैं फैशन कर लेता हूँ वो फैशन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, आप हैं फैशन ट्रेंडर? जी जी जी। ओहो, ये तो खबर मुझे आज ही मिली, क्योंकि मैं तो समझी टॉम फोर्ड, ब्रैड पिट और इस तरह के लोग फैशन ट्रेंड्स निकालते हैं। मैं अपने जो है ना, ये मेरा शो मेहमान का दर, इसके अंदर फैशन। अच्छा, इसके अंदर फैशन। अच्छा, मतलब कि इस सेट के अंदर अंदर ही सब आपको जानते हैं, बाहर कोई हालात नहीं। जो मैं ये ट्रेंड जो है ना, वो मेरा इसी शो के अंदर ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, चले मैं अगले। वैसे से आपको देखकर लगता नहीं है कि आप 6 बच्चों की अम्मी हैं। 6 बच्चे? मेरे तो सिर्फ 2 बेटियां हैं। मैं भी यही कह रहा हूँ कि आपको देखकर नहीं लगता। अच्छा अच्छा, आप नहीं है ना? हाँ हाँ, मैं 2 बेटियों की अम्मा हूँ जी। वही वही तो मैं, लेकिन आप लगता नहीं है देख के। यस यस यस। तो अब ये तो अल्लाह का करम है कि माशाल्लाह मैं अपना केयर भी करती हूँ और ख्याल करना भी चाहिए इंसान को। कहते हैं कि किसी और को प्यार करने से पहले वन शुड लव वन सेल्फ। अगर आप अपने आप से मोहब्बत करें, अपने आप से प्यार करें, तो फिर मेरा ख्याल है आपको बाकी दुनिया से प्यार करने का ना रास्ता मिल जाता है। ओके ओके। वैसे कोई आपसे अगर पूछे कि आपके खूबसूरती का राज क्या है, तो आप उन्हें ये तो नहीं कहते कि राज राज होता है, बताना नहीं चाहिए? नहीं, मैं बता देती हूँ, मैं बता देती हूँ कि जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मैं अपनी टेक केयर करती हूँ। जैसे पूछ नहीं रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि लोग पूछे ना, तो आप उन्हें ना बताया करें, क्योंकि ये राज होता है ना। हाँ, ये ना बताया करो। ना बताया करें तो हाँ। मतलब कि अब बाकी भी सारे खूबसूरत हो जाएंगे ना। हाँ, ये तो बात है। हाँ। लेकिन अब जितने भी लोग जो मुझसे कुछ भी पूछना चाह रहे हैं, अल्लाह करे कि वो आपका ये शो देख रहे हो। हाँ। और मैं कहूँगी कि मुझे तो शेख कासिम ने कहा था मेहमान कदरदान में कि भाई अपनी राज ना बताया करो। तो अब नेक्स्ट टाइम मैं कहूंगी मैंने नहीं बताना, तो फिर वो आपका गला पकड़ेंगे ना, मेरा तो नहीं पकड़ेंगे। अच्छा, इसी के साथ ना एक इशारे सेगमेंट करते हैं, मैं आपको मुख्तलिफ इशारे करूंगा, ठीक है? आपने बताने ये मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, मुझे बताए ये मैं क्या कर रहा हूँ? ये आप गाड़ी चला रहे हैं? नहीं, या नहीं, कुछ खोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये मैं ना सैलड काट रहा हूँ। ये ऐसे तो नहीं काटता कोई सैलड? चाकू ये मैंने नहीं नहीं, सैलेड ऐसे थोड़ी काटते हैं, सैलेड को ऐसे ऐसे करके काटते हैं चॉपिंग बोर्ड पे। हाँ, ऐसे ऐसे काटते हैं या फिर ऐसे करके काटते हैं, ऐसे थोड़ी काट। चॉपिंग बोर्ड नहीं था ना, आप तो ऐसे करें जैसे आप कोई ताला खोल। मैंने कभी काटा नहीं है ना। सॉरी टू से, आपने बहुत गलत इशारा किया। मुझे पता है ये मैं क्या खा रहे हैं? आप सूप पी रहे हैं? ये मैं सैलेड जो मैंने खाता था ना, बल्कि
आपने जो काटा था वो मैं खा रहा हूँ। तो ऐसे तो नहीं सूप के साथ, सूप चम्मच के साथ तो नहीं, सैलेड को कांटे से ऐसे लेते हैं, ऐसे खाते हैं और फिर खा के और फिर कांटे से खाते हैं। सॉरी सॉरी, वो बहुत देर हो गई मैं सैलेड ने ना खाया। हाँ सैलेड आपको कहाँ नसीब, सब्जियाँ महंगी हो गई है ना, इतनी तो तनख्वाह आपको यहाँ से मिलती नहीं होगी। आपके या तो पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है या आपको खाना नहीं मिला। बिल्कुल ऐसी, वो सैलेड खा के ना मेरा पेट नहीं भरा, तो मेरे ना पेट में दर्द हो रही है, दर्द हो रही है। ये आपका बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताए ये क्या आपके पेट में चूहे दौड़े? नहीं नहीं, दैट्स गुड, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। मेरे लिए तालियां तो बजाएं। ये भी ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा मुझे बताए ये मैं क्या करूं? ये आप अंडा फेंट रहे हैं? नहीं, वो मुझे भूख लग रही थी ना, अब मैं ना चिकन कढ़ाई बना रहा हूँ। अच्छा कढ़ाई बना रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। अब आप रोटी के साथ कढ़ाई खा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो कढ़ाई चल गई थी, ठीक है, अब मैं होटल गया हूँ, वहां जाके मैंने कुछ खाया। अच्छा दाल ही खाई होगी, इतने पैसे होंगे आपके पास। हाँ हाँ हाँ, दाल दाल दाल। चाय बहुत मजे की है भाई। थैंक यू थैंक यू। अच्छा लास्ट लास्ट, अच्छा मुझे पता है। अच्छा अब ये लास्ट है। जी जी, आपने अस्पताल तो नहीं जाना? जवाब देने से पहले ले जाऊं अस्पताल? नहीं नहीं नहीं, अब मैंने ना वो ज्यादा खा लिया था ना, अब अच्छा। उसकी वजह से दर्द हो रही है पेट में। तो चुप, कोई एंटी एसिड खाएं? मैं इसीलिए तो कह रही हूँ ज्यादा ना खाया करें, नॉर्मल खाया करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नहीं नहीं, अब मुझे पता लग गया, एक भी छींक आ रही है। नहीं ठीक हो गई, नहीं आई, वो खुद ही ना रुक गई। अच्छा मैं कहाँ था? चेक कर लो, ठीक है, बाल ठीक लग रहे हैं, सही करें, मैं सवाल कर लूँ। अच्छा अच्छा मुझे बताएं ये अभी रोल के वक्त हो रहा है? जी 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 जी, हो रहा है। ये ना साथ, ये टाइम नहीं ना हम वेस्ट करते, जल्दी जल्दी ना कि हम जल्दी से हम ख़त्म कर दें। अच्छा हाँ हाँ, अच्छा मुझे बताएं, मैंने सुना है कि चॉकलेट खाने से कपड़े। नेटी जी, हेलो, कैसी हैं आप? यू बैक, हाउ आर यू? मैं आगे, मैं ठीक ठाक हूँ। एक्चुअली आज मैं आपसे लेने आई हूँ ट्रेनिंग, जो कुछ आपको आता है आज आप वो मुझे सिखाएंगी, क्योंकि मुझे भी आपकी तरह बनना है। अच्छा तो आप क्या सीखना चाहती हैं? रेड कारपेट की होस्टिंग कैसे करते हैं? आपने देखा कि हमारी ये जो बाइक है बहुत ही सजी हुई है, ज़बरदस्त है, और इसकी बहुत सारी खूबियां हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे, मगर इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत सारे गेस्ट हमारे रेड कारपेट पे आने वाले हैं। लेट्स हैव अ चैट विद देम, डोंट गो एनीवेयर, स्टे राइट हियर विद अस। ओ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़े सेलिब्रिटीज आए, आप इधर आएंगी मैम, जरा से कैमरे में आइएगा, मैं थोड़ी सी आपको प्लेसमेंट बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने तो हमारी बाइक ही हिला दी, बट नो प्रॉब्लम, जरा सामने देखिएगा प्लीज। मैं सिर्फ चेक कर रही थी क्या वो हिलती है कि वैसे ही डमी रखी हुई है। आप सबसे पहले अपना नाम बताएंगी? आई एम सॉरी, आई डोंट नो योर नेम। जी सब मुझे जानते होंगे, नाम तो सुना ही होगा सबने मेरा। मेरा नाम है हीर ज़हरा। हीर ज़हरा, जी जी, वाओ। और मैं शेख कासिम। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपका कि आपने टाइम निकाला, आप हमारी लॉन्च पर आएँ। तो आप बताएं कि आपने अभी थोड़ा सा देखा कि हमारी साइकिल की लॉन्च है, मॉर्गन साइकिल की लॉन्च है, तो आप बताएं कि कैसी लगी आपको हमारी ये साइकिल? फिलहाल तो बहुत अच्छी लग रही है, ये तो चलाने के बाद ही पता चलेगा ये कैसी है। तो आप चलाने भी वाली हैं लॉन्च ही के ऊपर? जी बिल्कुल, मैं चलाऊंगी। वैसे अगर आप स्कूटी ही करती लॉन्चिंग तो वो ज्यादा बेहतर होता है। तो हम अपने नेक्स्ट गेस्ट से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, थोड़ा सा इधर आइएगा, थोड़ा सामने देखिएगा कैमरे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख कासिम। अच्छा जी शेख कासिम, मैं बहुत बड़ा होस्ट हूँ, एक प्रोग्राम करता हूँ मेहमान कदर आन के नाम से, ATV पे चलता है संडे को 7 बजे, प्लीज जरूर देखेगा। हाँ नहीं नहीं, चैनल का नाम तो हमने बहुत सुना है, बहुत मशहूर चैनल है, लेकिन आपके शो उस शो में बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट आते हैं, ठीक है, और वो प्रोग्राम बहुत हिट है। इस वक्त मेरा ख्याल है थोड़ा सा लॉन्च के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप लोग हमारी बाइसिकल लॉन्च पे आए हैं जिसके जो जिसका नाम है मॉर्गन, और बहुत ज़्यादा जो है हमारी जो साइकिल्स हैं वो डिस्प्ले पे हैं, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट मॉडल्स, और उनकी डिफरेंट जो है खसूसियात भी हैं। साइकिल के मुतालिक तो आपने मुझसे कुछ
पूछा ही नहीं। कैसी लगी आपको साइकिल हमारी? बहुत बुरी लगी, मुझे नहीं पसंद आई। आपको पसंद नहीं आई? तो आप लॉन्च पर आए हैं तो आपको इस तरह कहना तो नहीं चाहिए। हमारा मीडिया है, हमारे बहुत सारे लोग हैं, वो अवेयरनेस। मैं तो फ्री का खाना खाने आया हूँ। हम सच्ची बात करते हैं, नो बकवास। तो आज आप हमारे ऑर्डर्स और जो हम लोग ड्रिंक्स जूस और करने वाले हैं सब वो खाने पीने आए। मैंने सुना था फिश भी मिलेगी, झींगे भी। खाना नहीं है? मैंने सुना था बिरयानी मिल रही है इधर। आप लोग किस टाइप के स्टार्स हैं? मतलब कि समझ नहीं आ रही मुझे। खाते पीते खानदान। हम खर्चा बचाने आए हैं, इन्होंने कहा था खर्चा बचाएंगे। यानी कि आप साइकिल देखते नहीं आए? नहीं नहीं, साइकिल तो हमने देख लिया, बस अच्छी नहीं है, पसंद नहीं आई। एक सेकेंड जी, गेट रिड ऑफ देम प्लीज, इनको जरा यहाँ से निकाले। सिक्योरिटी प्लीज, भाग भागो भागो भागो, साइकिल लेके भागते हैं ना। सॉरी जी, थोड़ा सा कई दफ़ा अपने आप को बहुत बड़ा सेलिब्रिटीज़ कहते हैं, उनको ये समझ नहीं आती कि जब पाकिस्तान के आप सेलिब्रिटीज़ हैं और लॉन्चेस अटेंड करें और आप किसी चीज़ को देखने आएँ तो आपको पहले अच्छी तरह से देखना चाहिए, फिर तारीफ़ करनी चाहिए। आई थिंक इसीलिए कहते हैं कि एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। जो एजुकेटेड होगा वो इस तरह की बात नहीं करेगा, और ख़ास तौर में जो पेट्रियाटिक पाकिस्तानी होगा वो बिल्कुल इस तरह की बात नहीं करेगा। यहाँ पे चेहरे मतलब कुछ कह रही थी। जी जी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप तो चले नहीं गए थे। जी 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 जी। ए, इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। मच्छर मारे? देख नहीं ले, क्रिकेट खेलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो क्यों? तुम्हें नहीं पता T10 लीग स्टार्ट हो रही है शारजा के अंदर। अच्छा, वो क्या चीज है? वो जैसे होती है ना T20 होती है, उसी तरह शॉर्ट फॉर्मेट की 10 ओवरों की T10 लीग है। वाओ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। 10 ओवरों का मतलब है बहुत ज्यादा चौके छक्के और मजा ही मजा। ओ वाओ, मैं तो T20 इतने मजे से देखती थी, T10 वाओ कितना मजा आएगा ना। आप भी इसमें खेल रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग पख्तून की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। ओ वाओ, और तुम्हें पता है पख्तून की टीम का कैप्टन कौन है? कौन? हमारे पसंदीदा शाहिद खान अफरीदी। वाओ, बूम बूम अफरीदी। यस यस, चलो इसका प्रोमो देखते हैं। हाँ दिखाएं। Ten overs, 90 minutes, 6 teams, 4 days of cricket time. A+ official media partner, Team Pakhtun. Wow, ये तो बहुत मजेदार टूर्नामेंट लग रहा है। वो तो है। लेकिन ये बताएं कि स्टार्ट कब से हो रहा है? ये 14 दिसंबर शारजा में। Oh, nice. चलो हम मिलके देखेंगे, लेकिन उससे पहले अभी हमारे शो का टाइम स्टार्ट हो गया। चलो फिर तैयार होकर आते हैं। हाँ, चेंज करते हैं। जल्दी से। छे आया, फिर छे, दूसरा छे, वो तीसरा भी छे। शेख साहब, आप हर बार अपनी मर्जी से गेस्ट को बुलाते हैं। आज मैंने अपनी पसंद की गेस्ट बुलाई है। ठीक है, तुम बुला लो, मगर मशहूर हो वो। जी, वो बहुत फेमस है और बहुत सारे कामों में एक्सपर्ट भी हैं। कौन है, कौन है? मैंने आज बुलाया है नताशा हुसैन, जिनको आप नेटी के नाम से भी जानते होंगे। नेटी आ रही? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तैयार शहर होकर आता अच्छी तरह। अब तैयार होने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, वो बस आती होंगी। ये मेहमान कदरदान का सेट है जी। बिल्कुल बिल्कुल।
आप दोनों में से हीर कौन है? ऑफ कोर्स मैं ही हूँ, इतनी प्यारी लड़की। मैं समझी आप हैं हीर। एनीवेज आई एम ऑन टाइम, तो स्टार्ट करते हैं हम। जी, मैं जी, आ गई हूँ। आप ही बैठे हैं। अच्छा, जी मैं होस्ट शेख कासिम प्रोग्राम का। आप हैं होस्ट? आप नहीं पहचाना मुझे? पता नहीं टेलीविजन पे तो एक बड़ा। एनीवेज व्हाटएवर। अच्छा जी, नाइस टू मीट यू। थैंक यू जी। अच्छा, मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है? मैं लेकर आती हूँ क्यू कार्ड्स। प्लीज प्लीज जल्दी जल्दी। जी जी, सवाल लिया फिर हम शो स्टार्ट करते हैं। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं वैसे। ये लें आपके कार्ड्स। अब आप शो शुरू करें, मैं फिर अपने मसले मसाइल लेके बाद में आती हूँ, ठीक है? आप बाद में भी आने वाली हैं शो? जी, मैं बार बार आने वाली हूँ। ओके, हाँ जी। मैं आपको प्यार से नैटी। जी जी, आप बिल्कुल कह सकते हैं, मेरा नाम ही नैटी है, तो आप क्यों नहीं कहेंगे नैटी? लोग भी आपको प्यार से यही कहते हैं? हाँ जी, सब लोग। इसका मतलब है सब आपसे प्यार, लेकिन प्यार सब करते लोग हैं। जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अगर आप मुझे नेटी कहेंगे तो क्या इसका मतलब है आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चले मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ। जी जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट शेख कासिम और आप देख रहे हैं मेहमान का दरदार। आज जो हमने गेस्ट बुलाई हैं, इनके नाम से सब वाकिफ़ हैं। इनका वैसे नाम नताशा हुसैन है, मगर सारे इन्हें नेटी नेटी कहकर छेड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। लोग आपको क्यों छेड़ते हैं? छेड़ते नहीं, ये मेरा प्यार का नाम है। बहुत जो मुझसे लोग प्यार करते हैं वो मुझे नेटी बुलाते हैं। सभी फिर आपको यही बुलाते हैं? सारे ही बुलाते हैं, सारी फैशन इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जो भी लोग हैं वो मुझे नताशा के नाम से अब कम जानते हैं और नेटी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। मुझे बताएं पाकिस्तान की पहली मॉडल कौन थी? देखिए, जब हमने मॉडलिंग स्टार्ट की थी उससे पहले एक पूरा बैच निकाला था तारिक अमीन ने, और वो इतना ज़बरदस्त बैच था, इतना हार्ड वर्किंग बैच था कि उसमें फ्रिया अल्ताफ, नशमिया अल्ताफ, उसके अलावा सोनिया मानाज, आलिया लतीफ़ और इस तरह के कुछ। कोई एक बंदी तो होगी जो सबसे पहली मॉडल होगी? फ्रिया अल्ताफ। सुपर मॉडल, सॉरी आखिरी मॉडल कौन थी? आखिरी मॉडल पाकिस्तान की आखिरी सुपर मॉडल या आखिरी मॉडल? क्योंकि अगर आप आखिरी मॉडल का पूछ रहे तो मॉडल्स तो अब जो पत्थर उठाओ ना, कहते हैं कि वो हर पत्थर के नीचे से एक मॉडल निकल रही है, हर कोई कहता है हम मॉडल हैं। इसी के साथ लेते हैं मैं एक छोटी सी ब्रेक, कई मजा आएगा।